हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज सम मेथड इन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले मैं 38 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू या फिर फ्रंट एंड के इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सारी वीडियोज देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आई बटन पर प्रेस करके आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। चलते हैं अपने कोड में। पहले हम समझ लेते हैं सम मेथड होता क्या है। सम मेथड क्या होता है, जब भी आपके एक एरे की वैल्यू होती है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है, मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया, ठीक है। इस एरे में मैं कुछ भी वैल्यू पास कर दूंगा यहाँ पर, तो उस वैल्यू के अंदर जो भी हमारी कंडीशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, वहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करी, 5, 10, 15, 20 और 25। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास कर दी है, तो इसमें होगा क्या, जब भी हम इसको चेक करेंगे यहाँ से एरर डॉट सम स्टेप से इसको चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंडीशन बना लेंगे नीचे, सॉरी ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ एक कंडीशन बना देंगे। मान लो हमने यहाँ पे कोई एरर फंक्शन बनाया, एरर फंक्शन फिट कर लेते हैं हम कोई भी, चेक इज स्टेप, हम एरर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे अपनी कि जो भी वैल्यू आएगी, इसको रिटर्न करते हैं पहले, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी और हमारी 18 से बड़ी होनी चाहिए, 18 के बराबर या 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन क्या, इस कंडीशन से होगा क्या, जब भी हम यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर इस तरह से पास कर देंगे, तो इससे हुआ क्या, जो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, तो इसमें एरे में जाएगा और एक एक करके यहाँ से चेक करेगा कि जो पहले वाली वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा कि वो 18 से बड़ी है नहीं है, फिर दूसरे में जाएगा वो चेक करेगा तो ये भी बड़ी नहीं है, फिर तीसरे में जाएगा, फिर ऐसी चौथे वाले उसमें जाएगा, ठीक है, चेक करेगा। और जैसे इसको वैल्यू बड़ी मिल जाती है कि ग्रेटर देन 18 है या फिर इक्वल टू 18 है, तो उसको वो ट्रू कर देगा, कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा उस कंडीशन को। अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर स्टेप सिक्स को कंसोल करा के, या फिर इसको हम एक कॉन्स्ट में पास कर देते हैं रिजल्ट, ठीक है, फिर उसको हम यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अभी देखिए मैंने इसको रिजल्ट कंसोल करते सेव किया, तो ये देखिए ये भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये ट्रू क्यों आ रहा है, ट्रू आने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई है, इस जगह पे ये एक कंडीशन बनाई है। इस कंडीशन के अंदर क्या है, मैंने रिटर्न किया है वैल्यू अगर हमारी 18 के इक्वल है या फिर 18 से बड़ी है तो वो क्या करे, हमें यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दे, ठीक है। तो जो ये फंक्शन बनाया हमारा, इस कंडीशन को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं एरे डॉट सम, ठीक है। तो सम क्या करेगा, यहाँ से एक एक करके इनकी सारी वैल्यू को चेक करेगा, पहले पहली वैल्यू को कंपेयर करेगा कि इस कंडीशन से मैच करती है, अगर वो नहीं करती तो फॉल्स कर देगा, फिर दूसरी चेक करेगा, इस तरह से वो सारी वैल्यू एक एक करके चेक करेगा। जहाँ भी उसको मिल जाती है, यहाँ पर जैसे 15 के बाद 20 मिल गई, यहाँ पर इसको 20 क्या है, 18 से बड़ी वैल्यू है, तो उसने क्या करा, ट्रू कर दिया। अगर मैं यहाँ से 25 को हटा भी दूँ तभी भी यहाँ पर ट्रू ही आंसर आएगा, ये देखिए अभी भी ट्रू आंसर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 20 को हटा दूँ तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब कोई भी कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भी हमारी वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो दो बार दे रखा है तो वो पहले सबको चेक करके जहाँ भी उसको वैल्यू ट्रू मिलेगी वहाँ पर वो स्टॉप कर देगा। अगर उसको वैल्यू ट्रू नहीं मिलेगी तो सारी वैल्यू करके चेक करेगा और एंड में आके आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। आई होप समझ गए होगे आप। तो एरे की केस में ये होता है, अब अगर मान लो हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चेक करना पड़ जाए, ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज करो इसमें हमने नाम पास कर दिया रोहित और इसकी एज लिख दी हमने 30, ओके, और इस तरह से हमने एक और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू पास कर दी यहाँ पर एक नाम ले लिया मोहित,
उसकी मैंने एज डाल दी यहाँ पर 25, यहाँ पर ले दिया गौरव और उसकी एज डाल दी 20। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास तीन पर्सन है, मैं इसको पर्सन कर देता हूँ, ऊपर तीन पर्सन है और उनकी यहाँ पर मैंने एज डाल रखी है। अब मुझे क्या करना है, उनकी मतलब वेरीफाई करना है कि जिसकी भी एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर सपोज करो मैं इसको डालता हूँ 24 डालता हूँ, 24 या 24 से ज़्यादा है, ठीक है, मैं एज चेक करूँगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि हाँ 24 से ज़्यादा उसको ज़्यादा वाला पर्सन है मिलेगा, तो ट्रू फॉल्स करे, ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ पर्सन को, कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैं जो ये रखा मैंने सॉरी पर्सन डॉट सम, ओके। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेम कंडीशन लगा रखी है, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं वेल डॉट, हमें क्या करना है ये चेक करनी है, इस तरह से इसको सेव कर दूँगा। अभी देखिए आंसर हमारा आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे 24 से ज़्यादा एज वाले बंदे यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास दो पर्सन हैं अभी। अगर मैं इसको 24 से 28 भी कर दूंगा तभी भी हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। देखिए मैंने इसको अभी 28 कर दिया तभी हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। इवन बल्कि मैं इसको 30 भी करूंगा तभी हमारा आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है 30 या फिर 30 से अबव है तो मैच होती है तो हमारा जो रिटर्न ट्रू कर दे। ओके, अभी हम मैच को अगर 31 कर दूँ तो ये सारे रिटर्न फॉल्स रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी भी एज 31 या फिर 31 से ज़्यादा है। तो आई होप समझ गए होंगे आप सम का यूज़ क्या होता है। तो सम का यूज़ सिंपल ये होता है कि आप किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं और उस कंडीशन के अंदर आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा, ठीक है, और उसके अंदर वो क्या करेगा, एक एक करके चेक करता है वैल्यू को, जहाँ भी उसको कंडीशन ट्रू मिल गई वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिलती है तो वो एक एक करके सारी कंडीशन चेक सारी वैल्यूज को चेक करेगा और उसके बाद आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सम का यूज़ क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।